अच्छा ओपनिंग थ्रो यहाँ पर नीरज चोपड़ा का और सफेद झंडा आपने ऑफिशियल को लहराते हुए देखा। लीगल थ्रो है और 87.03 ही विल नॉट नो इट गोल में आ गया है भारत को। ड्रैगन फील्ड में पहली बार नीरज चोपड़ा का नाम, याद कर लीजिए इतिहास बन चुका है टोक्यो 2020 में। नमस्कार जी, मैं नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोवर, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड था, एशियन गेम्स में गोल्ड था और उसी साल मैंने अर्जुन अवार्ड जीता था। पर उस सबसे पहले खंडरा गांव का रहने वाला, अपनी फैमिली का प्यारा और कुछ इम्पॉसिबल करने का सपना देखने वाला नीरज चोपड़ा। तो वैसे तो मतलब गांव में नॉर्मली था नहीं कुछ स्पोर्ट्स का माहौल, वैसे कुछ थोड़ा बहुत कभी क्रिकेट कभी वॉलीबॉल ऐसे खेल लेते थे। पर फर्स्ट टाइम ऐसे 2010 के एंड में ऐसे हुआ था कि मैं स्टेडियम में जाऊं और जो अंकल थे काफ़ी सपोर्ट रहा उनका, सबसे छोटे चाचा है जो, और बाकी फैमिली का भी काफ़ी उस टाइम पर सपोर्ट था कि पूरे गाँव से अलग मैं पहला लड़का था जो वहाँ पर जाना शुरू किया और बिल्कुल एक अलग फील्ड मैंने चुना। जब मैंने शुरू किया था ग्राउंड पे जाना तो मन में यही बात थी कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ, किस लिए? अपना आराम से खा रहा था, यहीं पे खेल रहा था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि उस टाइम पे पता ही नहीं था कि मैं कर क्यों रहा हूँ, टारगेट ही नहीं था कुछ आगे। हमारा तो माइंडसेट था कि इसको यार कुछ अलग जिंदगी देनी है, अपने वाली नहीं रखनी, लेकिन उसका माइंडसेट होने में टाइम लगा। जब तक उसको लगा कि यार अत्याचार हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा कुछ, बेचारा वो मम्मी पापा को शिकायत करता, वो सुनते नहीं थे, कहते कि यार जो ये कर रहे हैं ना वही है भाई, हम नहीं तेरे लिए बोल सकते। ट्रेनिंग जब शुरू करते हैं खासकर कि पहले एक वीक या 10-15 दिन तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जब पेन होता है हमको सुबह उठते हैं तो ऐसा मन करता है कि यार ना ही जाएं। तो शरारती नीरज शुरू से ही था, कभी भैंसों में गया तो किसी भैंस की पूँछ आपस में बांध दी, चारा काटने की मशीन थी उसमें कोई शरारत कर दी, तो ये तो एक बाल सुलभ कलाएँ थी उसकी, वो हमेशा करता रहा और उस पर कई बार ज़्यादा कर देता था तो उसकी पिटाई भी होती थी। तो वो काफ़ी ऐसी ऐसी कुछ हरकतें होती थी, पर जब जब से मैंने ग्राउंड पे जाना शुरू किया तो ये सभी चीज़ें छूटती आ गई और फिर मैं अपनी जो ट्रेनिंग के लिए सीरियस होता गया। पहले तो ग्राउंड पे गया था तो सिर्फ मैं वही फिटनेस मेंटेन करने और पतला होने के लिए गया था। उस टाइम पे वहाँ पे जेवलिन थ्रो करते थे तो मैं हमेशा देखता था, बाकी स्पोर्ट्स भी थे लेकिन जेवलिन एक ऐसा स्पोर्ट था कि जो मुझे डेली मैं देखता था और मेरे दिल को छूता था कि यार ये मुझे भी करके देखना है कभी। चलते चलते मैंने इसको ध्यान से, मैंने एक दो राउंड मैं देखता रहा इसको, मैं भी वार्म अप करता रहा, फिर मैंने इसको पूछा कि तू मेरे को एक बार थ्रो करके दिखा दे। जब मैंने थ्रो करके दिखाया सभी को तो 40 मीटर के आसपास 15-20 दिन में वो कवर किया था, तो यानी इतनी दूर नहीं फेंक रहा था, लेकिन जो इसकी आर्म बहुत फ्लेक्सिबल थी तो जेवलिन के लिए मस्ट नीड चीज़ है, तो उसको देख के मुझे लगा कि हाँ ये जेवलिन कर सकता है और इसकी बिल्ड भी ठीक थी उस टाइम तक, अच्छा फिट हो चुका था ये। उन्होंने भरोसा दिलाया हमारे को कि इसको हमारे पास छोड़ दो, ये हम इसको बेटर कर लेंगे। फिर उसने ऐसा करा जी, कभी ब्याह शादी में, कभी त्यौहार में, किसी के फंक्शन में, तो गांव में किसी का कुछ नहीं करा उसने, सब कुछ छोड़ कर अपने बस गेम के पीछे लग रहे। तो इतना जुनून हो गया था उसके प्रति कि मैं कहीं भी खेत में जाता, मुझे कुछ भी डंडी मिल गई तो मैं डंडी उठा के फेंक देता था, या फिर सिंग में से वो झाड़ू निकाले फेंक दी तो वो पूरी झाड़ू खराब कर देता था। पहले साल तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया ठीक ठीक, पर मैंने इसको कोशिश की पहले साल, ये जितने भी कॉम्पिटिशन खेल जहाँ भी फेंकने का जब मौका मिले तो मैंने इसको भेज दिया कि तू चला जाए। ये बोला कि अभी तेरी तैयारी नहीं है भाई, मैं कोई बात नहीं, तेरे को बस फेंकना है, कॉम्पिटिशन का फोबिया है जो वो ख़त्म करना, मैं जहाँ पर भी मौका मिलेगा वहाँ पर फेंकेंगे। 2012 में मेरा पहला नेशनल था और वहाँ पे मैंने 68.46 मीटर लगा के नेशनल रिकॉर्ड किया था अंडर 16 का। 2013 में मैं यूथ वर्ल्ड के लिए गया था, 66.75 मीटर किया था। 2014 में मैं जूनियर नेशनल खेला था विजयवाड़ा में, वहाँ पे अंडर 18 मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया था 76.50 मीटर का। 2015 में ही मैंने इंटरस्टेट जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड जीता चेन्नई में 77.33 मीटर में। उसके बाद 2016 में मैंने साउथ एशियन गेम्स सैफ गेम्स में गोल्ड जीता था 82.23 मीटर में। 2017 में एशियन चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड जीता था मीट रिकॉर्ड के साथ 85.23 मीटर में। 2018 में
जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड था 86.47 मीटर लगा था। उसके बाद एशियन गेम्स में मैंने गोल्ड जीता 88.06 मीटर में, और उसके बाद मुझे इंजरी हो गई थी। इंजरी जैसे खिलाड़ी है उसके मतलब जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि उसके बाद उसको पता नहीं होता कि मेरा दोबारा जीवन इम्प्रूव होगा, दोबारा गेम में लौट के आऊँगा या यही मेरा करियर खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं खेल पा रहा था और काफ़ी एक नेगेटिव कई बार थॉट आ जाते हैं मन में। तो वहाँ फैमिली का रोल होता है कि उस समय उनका मोरल डाउन ना होने दे। तब हम लोग नीरज से जब भी बात होती थी अक्सर कहते थे कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाएगा, ये तो अक्सर लगती रहती। देखो जी, हमारा तो यही है, जो बच्चे ने जितना लगाव करके रखोगे तो बच्चे का भी लगाव उसमें रहेगा, तो माँ का भी उसमें रहेगा। हम तो ये कम है, देख घर बैठा कुछ नहीं है जी, बाहर छोड़ कर सब कुछ है, या तो देख मामा तो छोड़नी पड़ेगी। मैंने मन में ये चीज़ बैठा ली थी कि ये एथलीट की लाइफ है और एथलीट की लाइफ में ये चीज़ जुड़ी हुई है। ये चीज़ें सेक्रीफाइस के बिना नहीं मिलती है, बड़ी चीज़ की कीमत के लिए बड़ी ही होती है हमेशा, आपको बड़ा ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए। और नीरज में वो ताकत है सेक्रीफाइस करने की, तो उसने समझा उस चीज़ को, तो आज हमारे लिए देखिए गोल्ड मेडल जीत के आया है। आगे खेला नीरज है, लेकिन पूरे परिवार ने पीछे टीम वर्क की तरह काम किया, दिन रात एक ही टारगेट बना लिया, अभी जो कुछ भी है सब कुछ एक बच्चे पे झोंक दो, परमात्मा ने हमारी सुनी। अभी जो है वो हमारे सफर की ना शुरुआत है। हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम भी दो ओलंपिक तक और ये ऐसे ही रिपीट करके अपने को बेटर करें। जब ये टाइटल रिपीट होंगे ना, तब अपने कंट्री अपने देश के लोगों को एहसास होगा कि यहाँ अपने देश में इतना टैलेंट है कि यहाँ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। जो हमने कच्ची पक्की गलियाँ मिट्टी कंकर पत्थर सब हटाए थे, सबको चुन चुन के रास्ता बनाया था, अब जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको रास्ता बना बनाया मिला, उसको सिर्फ उस ट्रैक पे दौड़ना है। जब जब नीरज ने एक उपलब्धि हासिल की, तब तब हमारे गांव में बच्चों की ग्राउंड पे स्ट्रेंथ बढ़ती गई। आज टोक्यो ओलंपिक के बाद तो ऐसा लगता है कि हर घर से कोई ना कोई बच्चा ना ग्राउंड पे मिलता है। आज एक मेडल आया है या ओलंपिक में 7 मेडल आए हैं, इसकी जगह आगे 10 आएंगे, फिर उसके आगे 20 आएंगे। फ्यूचर जनरेशन के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसमें चाहे स्पोर्ट्स है, स्टडी है, ई स्पोर्ट्स हैं या फिर डांसिंग है, सिंगिंग है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, अपना मन से खुश हो के उसमें मेहनत करो और आपको ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेगी। अपनी लाइफ में एक ही बात सीखी है, हार जीत तो लगी रहती है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। कोई इम्पॉसिबल चीज़ लगे तो उससे डर के दूर नहीं भागना है, उसकी तरफ जंप करना है।